क्लास इलेवेन चैप्टर नंबर ट्वेल्व मैथमेटिकल इंडक्शन आर डी शर्मा एक्सरसाइज टॉइंट टू का एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी है प्रूव बाई द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन थ्री के पावर टू एन वैन डिवाइडेड बाई एट द रिमाइंडर इज वन इज ऑलवेज वन मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है लेट द गिवेन स्टेटमेंट पी एन इज थ्री की पावर टू एन वेन डिवाइडेड बाई एट द रिमाइंडर फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो लिप्स रिमाइंडर वन या फिर आप लिप्स कर लो लिप्स रिमाइंडर वन ठीक है तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं पुट एन इक्वल टू वन आप एन के जगह वन रिप्लेस करो ये क्या हो जाएगा थ्री के पावर टू दैट इज नाइन आप नाइन को एट से डिवाइड करो ये क्या बनेगा एट देखो वन रिमाइंडर वन आ गया अब आप डिवाइड तो नहीं कर पाओगे क्योंकि ये छोटा हो गया ये बड़ा है देखिए डिवाइड हम तब तक कर पाते हैं ना जब रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो अगर रिमाइंडर छोटा हो जाए ना डिवाइजर से तो फिर हम डिवाइड वहीं पर रोक देते हैं ठीक है ठीके? तो ये इसका रिमाइंडर क्या है वन है नाइन लिप्स रिमाइंडर वन वेन डिवाइडेड बाई एट तो देर फॉर पी वन इज ट्रू तो पी वन आपका क्या ट्रू है स्टेटमेंट टू सॉरी स्टेप टू फुट एन इक्वल टू एम लेट अस एज्यूम दैट पी एम बी टू ठीक पीएम क्या हो जाएगा थ्री की पॉवर टू एम डिवाइडेड बाई एट लिव रिमाइंडर अब देखिए आप छोटे क्लासों में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इन टू कोशेंट प्लस डिविट ये आपने पढ़ा होगा अच्छा आप एग्जाम्पल ले सकते डिविडेंड क्या है नाइन डिवाइजर क्या है एट देखो आप नाइन ही आ जाएगा ठीक है आप देखो जब आप थ्री की पावर टू एम को एट से डिवाइड कर रहे हो आपका रिमाइंडर वन रह रहा है ठीक है देखिए थ्री के पावर टू एम वन बाय बाई एट्स रिमाइंडर वन ठीक है तो देखिए नाइन की जगह क्या आ जाएगा देखिए डिविडेंट थ्री के पावर टू एम डिवाइजर एट क्वेश्चन नहीं पता आर रिमाइंडर ठीक है और क्वेश्चन क्या होगा कोई इंटीजर ही होगा ना आप उसको मान लो कि हो गया एट के प्लस वन ठीक है क्यों इंटीजर क्योंकि हम इंटीजर ही तो देंगे जैसे अगर आप यहां एम के जगह टू रहता मतलब थ्री रहता जाता थ्री के पावर सिक्स आप मान लो टू ए रहता तो टू इंटू टू फोर ठीक हो जाएगा एट्टी वन एट्टी वन को आप एट से डिवाइड करोगे टेन बार में हम देते तो एट्टी आता है, वन रहता तो टेन क्या है इंटीज़र अगर आप और पावर बढ़ाओगे तो यहाँ पे कोई और इंटीज़र आ जाएगा और पावर बढ़ाओगे तो यहाँ पे कोई और इंटीज़र आ जाएगा अब हम थ्री की पावर टू एम को जब एट से डिवाइड कर तो रहे तो रिमाइंडर तो वन रह रहा है रिमाइंडर तो यहाँ पे भी वन है रिमाइंडर यहाँ पे भी वन है लेकिन हमको ये नहीं पता है कि हमने कि इसे कितने से डिवाइड करा होगा कि रिमाइंडर जो है वन रह गया तो हमने सपोज कर लिया कि वो नंबर के था तो आप इसको के से इधर मल्टीप्लाई करके यहाँ सेप्ट करोगे तो रिमाइंडर आई समझ रहे होगे ठीक है आप इतना समझो कि हमने यहाँ पे वन से डिवाइड करा था यहाँ पे टेन से तो आप यहाँ पे समझो ये तो आर्बिटरी है ना एम हमको नहीं ना पता है ये क्या है तो इसलिए हम सपोज करो कि इससे हमने के से डिवाइड करा और रिमाइंडर बन जाएगा ठीक है थीके? तो हम इसको ऐसा लिख सकते इसको क्या लिख सकते हैं थ्री के पावर टू एम कॉम लिख सकते हैं एट के प्लस वन यहाँ पे के क्या है इंटीजर है ठीक है इसको आप फर्स्ट बोल लो स्टेप थ्री में क्या करूं वोट करो एन को एम प्लस वन ठीक है नाउ वी सो दैट पी एम प्लस वन इज ट्रू हम अब ये प्रूव करेंगे पी एम प्लस वन क्या ट्रू है तो इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि थ्री की पावर टू एम प्लस वन वेन डिवाइडेड बाई बाई एट लिप्स रिमाइंडर वन ठीक है अब अभी क्या करो इसको दो, आप ऐसा लिख लो थ्री आप कंसीडर करो कंसीडर करो ये थ्री की पावर टू एम प्लस वन ठीक है आप मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा थ्री के पावर टू एम प्लस टू और क्या करो यहाँ पे लिखो थ्री की पावर टू एम इंटू थ्री की पावर टू और हम यहाँ पे क्या किए कि एक पावर एम प्लस एन है ना तो हम ऐसा लिख दें एक पावर एम इंटू एक पावर एन ठीक है अब आप क्या करो थ्री की पावर टू एम की वैल्यू ये वाला रखो एट के प्लस वन और थ्री का स्क्वायर नाइन मल्टीप्लाई करो एट इंटू नाइन सेवेंटी टू के प्लस नाइन ठीक है अब देखो आप ये नंबर जब एट से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर वन बचेगा ये कब हम कहेंगे जब हम इस नंबर को ऐसा एक्सप्रेस कर सकें ए यहाँ पे कोई इंटीजर था ना तो ए नी इंटीज़र प्लस वन अगर हम इस नंबर को ऐसा एक्सप्रेस कर पाएंगे तो हम बोलेंगे ये जब एट से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर वन आएगा ठीक है जब ये नंबर को हम अगर एक्सप्रेस कर सके एट इन टू इंटीजर प्लस वन तब हम बोलेंगे कि ये नंबर जब एट से डिवाइड होगा तो क्या होगा रिमाइंडर वन छोड़ेगा ठीक है लिप्स के तो आप देखो यहाँ से क्या करो इसको ऐसा लिख दो सेवेंटी टू के प्लस एट प्लस वन ठीक है अब आप यहाँ से एट कॉमन करो एट कॉमन करोगे तो क्या रह जाएगा नाइन के प्लस वन प्लस वन अब देखिए ये क्या है ये कोई इंटीज़र है, है ना तो हमको इसी में तो एक्सप्रेस करना था कि अगर हम इस नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं कर दें अगर एट दे, इंटू कोई इंटीज़र प्लस वन तो हम बोलेंगे ये नंबर व्हेन दिस नंबर डिवाइड्स बाई एट इट लिव्स रिमाइंडर वन तब हम बोलेंगे ठीक है जब अगर ये कुछ इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके कि ये नंबर तो देखो आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा रहा है एट इंटू को इंटीजर प्लस वन ठीक है तो हम बोलेंगे देयर फॉर थ्री की पावर टू एम प्लस वन इज डिविजिबल सॉरी इज डिवाइडेड बाय एट रिमाइंडर वन देर फॉर पी एम प्लस वन इज ट्रू बाई पी एम आई पी एन इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू ठीक है आप देख लो एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी वन है प्रूव बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट एन लेस देन टू के पॉल एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन ठीक है तो लेट द गिवेन स्टेटमेंट ठीक है स्टेप पुट तो आप एन के जगह वन रिप्लेस करो ये हो जाएगा वन लेस देन टू देखिए वन जो होता है ना वो टू से छोटा होता है ये ट्रू है ये ट्रू है So therefore, P one is true. Uh -huh. Step two. Put n equal to m. Let P n be a स्टेटमेंट लेट एज्यूम लेट एज्यूम पी एम बे ट्रू मतलब एम लेस देन टू के पावर है ये ट्रू है स्टेप थ्री पुट एन इक्वल टू एम प्लस वन नाउ वी सो दैट पी एम प्लस वन इज ट्रू तो इसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे टू प्रूफ एम प्लस वन लेस देन टू के पावर एम प्लस वन ठीक है हमको ये प्रूफ करना हो तो देखिए जो ट्रू है ना बाय फर्स्ट क्या ट्रू है एम लेस देन टू के पावर एम ठीक है देखिए आपको क्या चाहिए टू की पावर एम प्लस वन चाहिए ना तो आप दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं है ये हो जाएगा टू के पावर देखिए वेन सेम पावर आर एडेड एम प्लस वन जैसे आप देखो ए का पावर एम रहे इन टू ए का पावर एन रहे तो ये क्या हो जाएगा बेसिस आर सेम पावर आर एडेड ए का पावर एम प्लस वन एन ठीक है अब आप इसको ऐसा लिखो एम प्लस एम लेस देन टू के पावर एम प्लस वन ठीक है अब आप देखो आपको चाहिए कि एम प्लस वन चाहिए और है क्या एम है मतलब हमको एक एम हटाना होगा अब देखिए कैसे हटा अब आप बताओ एम प्लस एम और एम प्लस वन में कौन बड़ा होगा एम प्लस एम ही बड़ा होगा एम प्लस वन तो एम प्लस वन तो छोटा होगा ना अब देखो ना एम यहाँ पे क्या है एम नेचुरल नंबर है तो जैसे आपने वन रिप्लेस किया तो वन प्लस वन टू टू ग्रेटर देन वन ये वाला बड़ा, बड़ा हो गया आपने एम को टू लिया तो यह टू प्लस टू फोर और यहाँ पे होगा टू प्लस वन थ्री फिर ये वाला ही गढ़ा हुआ फिर इसी तरह से आप अगर थ्री भी लो तो क्या होगा थ्री प्लस थ्री सिक्स और यहाँ पे थ्री प्लस वन फोर तो फिर भी यही वाला बड़ा तो कौन सा बड़ा होगा ये और ये इन दोनों में ये बड़ा हो जाएगा ठीक है आप देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हो एम प्लस वन इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया तो साइन चेंज हो गया ठीक है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि देखो आप ऐसा लिख सकते हो एम प्लस वन लेस देन एम प्लस एम लेस देन टू के पावर एम प्लस वन अब आप देखो अगर थ्री छोटा है टू से और टू और वन छोटा है टू से तो सी बात है कि वन क्या होगा थ्री से छोटा होगा आप ऐसे को देखो अगर थ्री टू से छोटा है मतलब टू थ्री से छोटा है और वन टू से छोटा है तो वन थ्री से भी छोटा होगा अब उसी तरह से अगर ए अगर बी सी से छोटा है और ए बी से छोटा है तो ए जो होगा वो सी से भी छोटा होगा ठीक है अब इतना समझो कि इसने हमने इतना नेगलेक्ट कर दिया और ये यहाँ पर आ गया ठीक है तो ये इंप्लाइज कहता है कि a less than सीमेंटा a c से भी a c से भी छोटा हो तो ये इससे छोटा हो ये therefore p n plus one is true देखिए हमको यही प्रूव करना था हमारा प्रूव तो भाई p m आई p n is true for एवरी एन belongs टू एन ठीक है आप देख लोगा. प्रूव बाय इंडक्शन द इन इक्वालिटी वन प्लस एक्स के पावर एन ग्रेटर दैन इक्वल टू वन प्लस एन एक्स एक्स इज पॉजिटिव एंड एन इज ए पॉजिटिव इंथीजर वहां पे एक्स और एन क्या है एक्स और एन पॉजिटिव इंथीजर मतलब प्लस है ठीक है तो अब लेट, लेट, लेट द गिवेन स्टेटमेंट पी एन इज वन प्लस एक्स की पावर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस एक्स जहाँ पर एन और एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर ठीक है फर्स्ट क्वल टू वन ये हो जाएगा वन प्लस एक्स के पॉवर वन ग्रेटर टू वन प्लस वन इन टू एक्स ये हो जाएगा वन प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस एक्स अब देखो यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ग्रेटर और इक्वल टू ठीक है या देखिए या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो मतलब दोनों में से एक भी अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू होता है ठीक है अब देखो ये दोनों इक्वल है तो इसलिए ये इन इक्वालिटी ट्रू है ठीक है मतलब होना क्या ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ग्रेटर और इक्वल टू या तो बड़ा हो या तो बराबर हो ठीक है तो अब देखो इन दोनों बराबर है इसलिए ये टू है तो देयरफॉर बी वन इज ट्रू स्टेप टू पुट एन इक्वल टू एम ठीक है अस एजियो लेट अस एज्यूम दट PM इज ट्रू तो पीएम क्या है वन प्लस एक्स की पावर एम ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस एम एक्स ठीक है ये आपका ट्रू है पुट एन इक्वल टू एम प्लस वन

ठीक है कंसिडर बाई फर्स्ट फर्स्ट क्या है ट्रू देखिए ये जो है ना ये ट्रू है वन प्लस एक्स के पॉवर एम ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस एम एक्स ठीक है आपको देखो प्रूफ में क्या चाहिए वन प्लस एक्स के पावर एम प्लस वन चाहिए तो आप दोनों साइड वन प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो वन प्लस एक्स के पावर एम इंटू वन प्लस एक्स ग्रेटर टू वन प्लस एम एक्स इंटू वन प्लस एक्स ठीक है अब देखो वेन बेसिस आर सेम पॉवर आर एडेड तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन प्लस एक्स के पावर एम प्लस वन यही होगा ना लेकिन एम प्लस वन हो गया ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू आप मल्टीप्लाई करो वन एक्स एम एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर ठीक है यू अब आप देखो आपको चाहिए क्या वन वन एम प्लस वन एक्स देखो एम प्लस वन एक्स एम एक्स प्लस एक्स ठीक है और एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है एम एक्स स्क्वायर ठीक है अब देखो देखिए आपको प्रूफ में ये एम एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए नहीं चाहिए अब आप देखो सेवन अगर बड़ा है सिक्स से तो सिक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं ना वन प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस टू ठीक है ऐसा लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब क्योंकि टू पॉजिटिव नंबर है तो अगर आप टू को हटा देते हो तो भी ये क्या होगा सेवन से बड़ा ही होगा देखिए ना आप टू को हटा दिए तब भी ये क्या है सेवन से बड़ा है ना वन प्लस सेवन ही बड़ा है ना इससे तो अगर हम पॉजिटिव नंबर को हटा भी दे तो भी क्या होगा ये नंबर बड़ा हो जाए आप ऐसा भी समझ सकते हो कि देखिए वन प्लस एम वन एम प्लस वन एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर ये जो होगा ये बड़ा होगा किस से इससे क्यों अब आप देखो फाइव और फाइव बराबर है है ना बराबर अगर फाइव में आप वन ऐड कर देते हो तो ये वाला बड़ा ना हो जाएगा ये वाला बड़ा हो जाएगा उसी तरह से ये दोनों तो बराबर थे लेकिन आपने इसमें एम एक्स स्क्वायर जो कि पॉजिटिव नंबर है देखिए पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तभी ये जिधर आप ऐड करोगे पॉजिटिव नंबर वो उस साइड वो बड़ा हो जाएगा ठीक है लेकिन तब जब आप पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो उसी तरह से आप सपोज करो कि हमने पॉजिटिव नंबर ऐड करा तो इससे ये नंबर बड़ा हो गया और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सेवन सिक्स से बड़ा है और सिक्स कुछ ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ से आप टू हटा देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फिर भी सेवन ही बड़ा होगा ठीक है उसी तरह से आप, आप समझो कि एम एक्स को हमने हटा दिया फिर भी ये नंबर ये जो क्वाइंटिटी है ये बड़ा होगा क्यों बड़ा होगा समझ या फिर आप यहां से भी दे सकते हो ये बड़ा है तो आप इसको अगर यहां पे ऐसा ली देते तो कोई भी दिक्कत नहीं था तो क्या हो जाता है? कि अगर हंड्रेड बड़ा है टेन से और टेन बड़ा है नाइन से तो ऑब्वियस सी बात है कि हंड्रेड भी हंड्रेड जो है वो नाइन से बड़ा हो वही हमने यहाँ पे किया ठीक है अब देख लो ठीक है देयरफॉर पी एम प्लस वन इज ट्रू बाई पी एम आई पी एन विर एवरी एंड बिलंगस टू एंड ठीक देख ल